सो so, आज तक हमने इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा था द फर्स्ट चैप्टर वॉज ऑफ बेसिक डेफिनेशन जो आई के स्टूडेंट्स को तो पहले चैप्टर में नजर आती हैं बट सी बी एस ई स्टूडेंट्स को ये पोर्शन स्टैटिस्टिक्स में नज़र आता है सो so, जो हमारा पहला चैप्टर थियोरेटिकली दोनों के लिए कॉमन होगा अब फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशन और सेकेंड चैप्टर बेसिक टर्म्स के बाद वो तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स थे उनका डायरेक्ट रेफरेंस आपके सिलेबस से बहुत कम है बट सिलेबस पढ़ने में ये चैप्टर्स बहुत काम आते हैं So now we'll be starting with the first chapter, children, titled as Economics, Economy and Central Problems of an Economy. Please put this heading very quickly in your box. Economics, Economy, and Central Problems of Economy Hekia basically. So this chapter basically deals with the simplest definition of economics, a general definition. Upnjo definitions padhi thi aaj tak, wo specialized definitions. Si. But here you will be studying what is called as a general definition. फ्टर यूल अंडरस्टैंड की इकोनॉमी किसे बोलते हैं और जैसे स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आती है कि भाई टाइम बहुत कम है बट हीट के सामने प्रॉब्लम आती है कि भाई पैसे कम है परिवार में बट खर्चा बहुत ज्यादा है बिजनेसमैन के सामने प्रॉब्लम आती है कि गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बहुत कम है बट सो कॉल्ड कस्टमर्स की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा है तो ऐसे ही कंट्री के लेवल पे भी चिल्ड्रन प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज हमारे पास जो है बहुत रेस्ट्रिक्टेड है बट उन रिसोर्सेस से जो हमें आउटपुट चाहिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो कुछ इन सब बातों का जिक्र हम इस चैप्टर में करेंगे सो लेट्स हैव द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एन चिल्ड्रन तो ये बेसिकली एक सिस्टम होता है जहां पे लोग अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करते हैं और कैसे सैटिस्फाई करेंगे प्रोडक्शन दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग होगी देयर आफ्टर वो उससे खरीदने बेचने का काम करेंगे और उससे जो पैसे आएंगे अल्टीमेटली उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सो प्लीज हैव अ ग्लांस लुक टू दिस डेफिनेशन एंड कॉपी दिस फास्ट फिर मैं एक एक करके इसके कंटेंट को और प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है आई होप सो सबको याद है तो फिर से एक बार यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब लिखेंगे सो एनीथिंग दैट यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन एक ही बात है इट इज कॉल्ड एज वॉट चिल्ड्रन प्रोडक्शन सिमिलरली एक्सचेंज का मतलब क्या है द मैकेनिज्म ऑफ गिव एंड टेक इज नोन एज बॉड चिल्ड्रन एक्सचेंज और इस एक्सचेंज के बाद जो हरकत होगी दैट इज नोन एज बच्चों कंजम्पन और उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस को जब हम खरीद लेंगे तो हम बदले में पैसे देंगे और उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दट इज लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्टरप्रन्योर लैंड के लिए हम क्या पे करते हैं रेंट लेबर को क्या देंगे कैपिटल पे चल रन इंटरेस्ट और ऑंटरप्रन्य को क्या देंगे प्रॉफिट इतनी बात समझ में आ गई सो वेन्सो एवर यू हैपन टू सी कि आपने किसी की जमीन ली और उसको यूज करने के लिए आप उसे रेंट दे रहे हैं तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स लेबर को आपने किसी वर्कर से काम करवाया उसको वेजेस दे दी जिससे पैसा बोरो किया उसको इंटरेस्ट दे दिया और जो इंटरप्र है जो इनोवेटिव कैपेसिटी यूज कर रहा है अपनी उसने कुछ प्रॉफिट अपने बिजनेस में कमाया ये सारी हरकतें इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोली जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन वॉट इट क्लियर तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं वी हैपन टू से कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा बट सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब उन चीजों को कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे वर्ड प्रैक्टिकली मिसिंग है बट उसका मतलब यही है तो इट इज प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि एक्सचेंज का मतलब है take, तो we'll that, है गिव एंड टेक टेक तो तो दैट अब ऑब्वियस बात फोटो चिपका के रखेंगे नहीं उसको खाई पियेंगे इस्तेमाल करेंगे तो दैट ऑटोमेटिकली कवर्स कंजम्पन एज वेल तो ये सारी हरकतें गिव एंड टेक की जो दुनिया में चलती हैं कंट्री में चलती हैं दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स बेसिकली और जहां पे ये चीजें चलती हैं हम उसे क्या बोलते हैं इकोनॉमी तो इकोनॉमी का यहां पे जो मतलब बना दैट इज सिंपली कॉल्ड कंट्री समझ में में आ गया तो नाउन की डेफिनेशन इट्स अ कंट्री वर्ब के फॉर्म में चिल्ड्रन इट इज अस्टम बेसिकली जहां पे हरकतें होती हैं तो सब्जी मंडी में जब आप सब्जी खरीदते जाते हैं तो वो सिस्टम भी इकोनॉमिक्स है बेसिकली सब्जी मंडी में सब्जी खरीद के जब आप घर लाते हैं उसको बनाते हैं खाते हैं उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है इस सिस्टम को भी हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं सुनाई पड़ गई बात चलिए नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन ये थोड़ी डायरेक्ट डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग व्हाट चिल्ड्रन स्केर्स मींस तो आपको एक रिश्ता एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए द वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर ये सर नो चिल्ड्रन और जो हमारे पास सो कॉल्ड रिसोर्सेज है इसके लिए दे आर वॉट चिल्ड्रन सिंपल एज दर लिमिटेड इन सप्लाई अगर हम इसको उल्टा कर दे बच्चों आई रिपीट हम इसको उल्टा कर दें रिसोर्सेज लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड हो जाए प्रैक्टिकली पॉसिबल दो नहीं बट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए और वॉन्ट जो हमारी अनलिमिटेड है वो लिमिटेड हो जाए तो क्या कोई समस्या रहेगी समस्या तभी तक है जब तक हमारा मुंह बहुत बड़ा है हमारा पेट बहुत बड़ा है जीप हमारी बड़ी लिबिर लिबिर करती रहती है हर चीज को पाने के लिए बट चीजों की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है तो समस्या रहेगी उल्टा कर देंगे तो समस्या ऑटोमेटिकली वुड कम टू एन एंड समझ में आ गई बात सो प्लीज अपडेट दिस क्विकली किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चलिए ये बातें सबको समझ में आ गई कि इकोनॉमिक्स तभी तक जिंदा है जब तक हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है एंड जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको सेटिस्फाई करने के लिए दे आर लिमिटेड इन दोनों को अगर आप रिवर्स कर देते हैं इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट हो जाएगा खत्म क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नो पॉपुलेशन ईयर आफ्टर ईयर बढ़ेगी जो एग्जिस्टिंग है और जो नए आएंगे उनको चीजों की जरूरत महसूस होगी होगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वॉन्ट्स हमारी लिमिटेड हो जाए और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए ऐसा नहीं हो सकता उनको बढ़ाया जरूर जा रहा है भाई अर्थ जैसे प्लेट पे जिस दिन लाइफ लगेगा बहुत मुश्किल है जीना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो लोग कहाँ पे रहना चाहेंगे मून पे मार्स पे जुपिटर पे वगैरह वगैरह अलग जगह जाना चाहेंगे इसीलिए वहां पे लाइफ खोजी जा रही है कि कल को जब ये सब कुछ भी नहीं रहेगा तो लाइफ वहां पे होगी कुछ लोगों ने तो वहां पे प्लॉट वगैरह खरीदना भी स्टार्ट कर दिया है कुछ ऐसी कंपनीज है जो बेवकू बना के प्लॉट बेच रही है किसी ने देखा भी नहीं प्लॉट का बट खरीद लिया है अब मान लीजिए कल वो कंपनी पेसेक्स के साथ पार्टनरशिप कर लेती है एल एन मस्की और वहां पे सही में प्लॉट की सेल चालू हो जाए और आपके दादाजी ने प्लॉट खरीदा हुआ है तो आपको जब वहां पे जाना होगा तो आपके पास तो जमीन पहले से अवेलेबल होगी और आप उस जमीन को महंगे में बेच सकते हैं बातें थोड़ी देखने में सुनने में अजीब लग रही हैं बट ऐसा आने वाले टाइम में पॉसिबल होगा आपको लग रहा नहीं सर ये तो बकवास ही है सबको बकवास लग रहा नहीं गो वे बैक टू द एरा जब शाहजहां हुआ करते थे हुमायूं हुआ करते थे बाबर और अकबर होते थे उस जमाने में किसी ने सोचा था कि सबमरीन जैसा कुछ आएगा

टू व्हीलर या इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा या पांच साल पहले आपने सोचा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी गाड़ियां जब रोड पे आएंगी तो उनकी इतनी सो कॉल्ड ख्याति बढ़ जाएगी कभी सोचा था किसी ने नहीं सोचा था बट थिंग्स थिंग्स हैपन हैपन आई रिपीट तो ऐसा होगा हो सकता है मेरा पुनर्जन्म हो आपका इसी जन्म में आपको दर्शन हो जाए कि, कि किसी ने मून पे घर बना लिया अब लोग कहेंगे सर मून पे घर तो सर ईटा सीमेंट बालू कैसे जाएगा यहां से उसको तो पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा अरे ईटा सीमेंट बालू के जो केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं वो मून पे और मार्स पे अगर मिल गए तो फैक्ट्री कुड बी स्टैब्लिश देर इट बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में गया आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी उस मूवी में देखा गया डायनासोर का आतंक क्या था तो भाई डायनासोर किस जमाने में थे बट वो जमाना बहुत पुराना है तो हम आज की बात नहीं कर रहे हैं हम हजार दो हजार तीन हजार साल बाद की बात कर रहे हैं हो सकता है जब अर्थ पे जगह कम पड़ जाए रहने के लिए वॉट पीपल वुड डू वो मून पे मार्स पे और जुपिटर पे जाके भी हो सकता है लाइफ वहां पे खोज लेंगे और साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्चेस तो चल ही रही है पिछली बार भी इंडिया ने एक चंद्रयान भेजा था आपको पता थे क्या थे? वो सही लैंड कर पाया? नहीं कंप्लीट किया था फीस नहीं दी थी ठीक से टीचर को इसलिए लैंड नहीं कर पाया ठीक से चलिए तो सबको समझ में आ गया कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है तो दो बातें हमेशा याद रखिएगा अनलिमिटेड बॉन्ड्स यही पापा और मम्मी है इकोनॉमिक्स के ये खत्म तो इकोनॉमिक्स भी खत्म चलिए सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप किसी चीज को खरीदना ही नहीं चाहेंगे खाना ही नहीं चाहेंगे मतलब उसका कंजम्पशन ही नहीं करना चाहेंगे क्या आप बनाने वाला उसको बनाएगा एब्सोल्यूटली नॉट तो जब कंजम्पशन होगा तभी प्रोडक्शन होगा शॉपकीपर को पता लगा कि लोग पिज्जा खाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो वो बर्गर अभी तक बेच रहा था अब कल से वो और भी क्या बेचने लग जाएगा पिज्जा बेचने लग जाएगा तो पिज्जा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या पिज्जा सजा के अपनी रहेगा ही वुड डू बेचेगा सिंपल एज दैट तो बेचेगा तो क्या फ्री में बेचेगा नॉट एट ऑल ही विल टेक मनी पैसा लेगा नोट लेगा जो भी लेगा ही विल टेक मनी तो अब वो पिज्जा बिकने लग जाएगा तो जब पिज्जा बिकेगा बदले में पैसा आएगा द हरकत इज नोन एज एक्सचेंज और अल्टीमेटली अब पिज्जा वाले ने ढेर सारे पिज्जा बेच के ढेर सारा प्रॉफिट कमाया क्या वो गंगा जी में बहा देगा सारा पैसा अपना वट ही वुड डू इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्ट करेगा एक नया अवन खरीद लेगा या अवन अगर ऑलरेडी है उसके पास एक नया स्टोर ओपन कर लेगा स्टोर अगर ऑलरेडी है एक और ब्रांच ओपन कर लेगा सर ऑलरेडी दस बीस ब्रांचेस हैं दूसरे शहर में ओपन कर लेगा पैसे को कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्ट करेगा तो उस पैसे को लगाने के बाद उसे और पिज्जा की मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो और रॉ मेटेरियल खरीद के लाएगा तो वो भी तो एक तरह का कंजम्पशन कर रहा है तो ये चक्री जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो जिस दिन इंसान की भूख खत्म हो जाए उस दिन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी क्योंकि जब आप कंजम्पशन नहीं करेंगे तो क्या आपकी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्शन करेगा नो no. जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है किसी चीज का कंजम्पशन नहीं हो रहा है क्या एक्सचेंज होगा बिल्कुल नहीं होगा और जब सामान बिक नहीं रहा लोग खरीद नहीं रहे हैं क्या फैक्ट्री वाला पैसे लगा के नया मैन्युफैक्चरिंग हब या नई शॉप या नया सर्विस सेंटर ओपन करेगा कुछ भी कुछ भी नहीं करेगा सो द प्राइमरी रीजन इज पापी पेट प्राइमरी रीजन इज पापी पेट कंजम्पशन समझ में आ गई मैं बोल रहा हूं जब तक आपकी लिखने की चाहत नहीं होगी क्या आप पेन इस्तेमाल करेंगे नो no, अगर लिखने की चाहत है चाहे अपना पेन नहीं आए लाए क्लास में भिखारी मोड एक्टिवेटेड था कि किसी से भीख मांग लेंगे कटोरा लेके चले जाए बट लिखने की चाहत थी तो आपने किसी ना किसी से पेन मांगा तो आपकी लिखने की चाहत इज नोन एज कंजम्पशन फिर जिसने आपको पेन दिया, पेन पेन दिया वो लेके आया होगा या आई होगी उसने पेन कहां से खरीदा से खरीदा खरीदा शॉप शॉप से 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 वाले ने कहां होलसेलर लिया होलसेलर ने कहा से लिया डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा से लिया स्टॉकिस से स्टॉकिस ने कहा से लिया फैक्ट्री से और क्या फैक्ट्री में वो खुल जा सिम सिम बोले पेन बन गया नो पेन को बनाया इट इज प्रोडक्शन बेसिकली और फिर पेन आया फैक्ट्री से स्टॉकिस के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ होलसेलर के यहाँ रिटेलर के यहाँ आपके पास आया आपने अपने क्लासमेट को दे दिया सर क्लासमेट तो कॉपी का नाम है साथ पढ़ने वालों को भी यही बोला जाता है तो आपने पेन दे दिया और बोला कि कल आप जरा मोमोज खिला देना तो दिस इज नोन एज वॉट चिल्ड्रेन एक्सचेंज या मोमोज ना खिलाना तो पांच सौ रुपए लेते आना कम से कम पेन का किराया इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट एक्सचेंज अब जब पांच सौ मिल गए आपको एक पेन का किराया तो आप क्या करेंगे दस पेन और खरीद लेंगे और फिर कल से पेन की किरायादारी का धंधा चालू हो जाएगा तो क्या कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बात समझ में आई कि नहीं आई तो जब बच्चे की पढ़ने की चाहत होगी टीचर वुड स्टार्ट टीचिंग टीचर विल मेक स्टडी मटेरियल टीचर विल मेक पीपीटी स्लाइड लाइक दिस दिस इज कॉल्ड एज वॉट प्रोडक्शन फ्रॉम टीचर्स एंड फिर स्टूडेंट को ये चीजें दी जाएंगी वो पढ़ेगा बदले फीस देगा इट इज नोन एज एक्सचेंज और जब सरप्लस इकट्ठा हो जाएगा उस फीस से तो क्या करेंगे नए रिसोर्सेज लाएंगे और मॉडर्नाइज रिसोर्सेज लाएंगे इंस्टीट्यूशन के साइज को और बड़ा करेंगे दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट और जब इंस्टीट्यूशन का साइज बड़ा होगा तो और बच्चे पढ़ना चाहेंगे फिर तो फिर से कंजम्पशन होगा तो ये इकोनॉमिक्स का पहिया चलता रहेगा प्लीज पुट इट क्विकली तो मैं तो आपको नोट्स दूंगा ही दूंगा कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है बट कुछ आप खुद भी लिखा करें ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिख के आएंगे तो आपको टीचर अच्छे मार्क्स और दे सकते हैं अब आप बोलेंगे सर हमको कंजम्पशन कहाँ मिलेगा मेरी स्लाइड में सब कुछ है कुछ अभी छूट जाए तो घर जाके वीडियो देख के भी अपडेट कर सकते हैं नोट्स में भी सब कुछ मिलेगा बट हैंड एंड हैंड एग्जाम्पल्स कुछ खुद भी लिखिए और ये सब चीजें हम बेसिक टर्म्स में शायद पढ़ चुके हैं चलिए सो कंजम्पशन क्या होता है पता है रेफर्स टू यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉन्ट्स तो अगर आपने मार्केट से सब्जी खरीदी बनाने के लिए तो इसलिए खरीदी कि वो आपको सेटिस्फाई करेगी इट इज योर कंजम्पन येस और नो चिल्ड्रेन येस और नो बट अगर आपने अपने पेट के लिए कोई फूड खरीदा है, पेट डॉग के लिए पेडिग्री खरीद ली आप तो नहीं कंज्यूम करेंगे उसको बट पेट डॉग जरूर कंज्यूम करेगा बट आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि कम से कम मेरे पेट डॉग ने खाना खा लिया है तो आप सर को घर बुला सकते हो सर को काटेगा नहीं इज दैट अंडरस्टुड तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्शन प्रोडक्शन इज रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ इनपुट इंटू आउटपुट कॉमा लगा के लिख दीजिए

बट अगर किसी दुकान पे रखा है फोटोकॉपी मशीन फोटोकॉपी करने के लिए तो वो तो उससे पैसा कमा रहा है तब आप उसको बोल सकते हैं टूल्स एंड मशीनरी एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट तो घर में एसी लगवाना इज नॉट इन्वेस्टमेंट बट शॉप पे एसी लगवाना इज एन इन्वेस्टमेंट घर में लैपटॉप परचेज करके यूज करना इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बट कैफेटेरिया में या किसी शॉप पे लैपटॉप यूज करना उससे इंटरनेट से बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना प्रिंट करके दस रुपए का सामान पचास रुपए में बेचना इज नोन एज अ इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट वही होता है जो कुछ यील्ड करे बदले में तो आपके घर की जितनी भी चीजें हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता नहीं होता है सर सर मम्मी ने मिक्सर ग्राइंडर खरीदा है कोल्ड कॉफी बनती है उसमें बढ़िया क्या आप उसे बेचते हैं बिल्कुल नहीं बेचते तो वो कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटी नहीं है बट यही मिक्सर ग्राइंडर फूड प्रोसेसर अगर किसी कैफेटेरिया में है तो वो कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी बना के बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं देयर ऑफ मिक्सर ग्राइंडर विल बी कॉल्ड एज व्हाट इन्वेस्टमेंट बात समझ में आई में आई कि नहीं पक्का आपके घर आपने इन्वर्टर परचेस किया परचेस किया ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है बट एक दुकान पे अगर जेनेटर और इन्वर्टर परचेज किया गया है जो बिजनेस एक्टिविटीज को सप्लीमेंट करेगा दैट इज कॉल्ड डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टमेंट फर्क समझ में आ गया आपकी पर्सनल कार पापा की कार इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बट अगर आपके दोस्त ने कार खरीदी है जो ओला और उबर में उसको चलाता है और पैसा कमाता है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई बात एनी फर्दर एग्जाम्पल नीडेड घर के लिए खरीदा वो कुछ नहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा घर खरीदना।, खरीदना अगर आपने किराए पे दिया है या वहां पे हॉस्टल चलाना चाहते हैं फर्दर प्रोडक्शन तो इनकम तो हो तो आप उसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे बट रहने के लिए अगर आपने घर खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है सर मान लीजिए घर खरीदा चार फ्लोर का दो फ्लोर में हमारी फैमिली रहती है दो फ्लोर किराए पे दे दिया वो दो फ्लोर की वैल्यू इन्वेस्टमेंट बोली जाएगी इकोनॉमिक्स की क्लास में बट पूरे चार फ्लोर इन्वेस्टमेंट नहीं है कभी कभी आपने सुना होगा कुछ लोग घर खरीदते हैं उनके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं रहोगे क्या वहां जाके क्योंकि नहीं रहेंगे नहीं, 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 नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उससे रेंट आएगा और अगर टेनेंट नहीं भी है तो वैल्यू तो रियल एस्टेट की बढ़ती है हम बेच के पैसा कमा लेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट समझना क्या लोग बड़े घर से बोलते मेरा ढाई करोड़ का घर है ठीक है पाइप निकालो टाइल तोड़ो जाओ सब्जी मंडी दो किलो आलू लेके चले आओ तो ढाई सौ करोड़ का घर हो यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट एंड एंजॉय द बेनिफिट फ्रॉम दैट मनी क्या ऐसा होगा बिल्कुल नहीं होगा कोई कहे हमने पापा ने जैगवार की फिटिंग लगवाई है बाथरूम में और ये एक एक फिटिंग तीन तीन हजार की है ठीक है एक नल निकाल के जाओ आधा लीटर पेट्रोल भर लो गाड़ी में पॉसिबल है ये नहीं है तो घर की प्राइस हो सकती है बट वैल्यू जीरो है क्योंकि आप फर्दर उससे कुछ कमा नहीं सकते तो पीपल अंडरस्टूड वॉट इज इन्वेस्टमेंट तो अगर आपने बैग खरीदा स्कूल में कॉपी बुक्स ले जाने के लिए इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट बट जो बैग की दुकान खोल के बैठा है उसने अगर सौ पीस बैग खरीदा उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट होगा हाँ तो आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल देंगे क्योंकि अब तो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होने लग गया ना तो घर जब लेट आउट हो गया देन इट इज एन इन्वेस्टमेंट बट जब तक वो लेट आउट नहीं है वो पैसा कमा के नहीं दे रहा तो इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट मेरे क्लास के अंदर जो फर्नीचर लगा हुआ है इट इज एन इन्वेस्टमेंट और इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इट इज एन इन्वेस्टमेंट समझ गया आपके घर में भी सोफा सेट होगा बेड होगा बट क्या आप उस उसपे लोगों को बैठाते हैं गेस्ट को उनसे पैसा मांगते हैं लो पचास रुपए हो गया तुम्हारा नो no. तो वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं ओके बी क्विक चलो ये सारी एक्टिविटीज लोगों को समझ में आ गई वॉट दे टली मीन चलन पक्का चलिए तो इकोनॉमिक्स होती क्या है स्टडी ऑफ दिलेबस इंक्लूडेड इन दब्जेक्ट विच इज प्राइडर विल गेट गुड और बैड मार्क्स एंड फिर घर में सुता जाएगा उनके ये तो रियल डेफिनेशन है मैं थोड़ी किताब वाली बता रहा हूं आप जब सब्जी मंडी जाते हैं और आपको नजर आता है कि बगल वाला इंसान एक सौ बीस रुपए किलो का आम खरीद रहा है बट आपने मम्मी से बोला हम भी, भी मैंगो चाहिए मम्मी कह रही है नहीं 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 मैंगो अभी जो है वो बहुत महंगो है मैंगो बहुत महंगो है अब लोग कहेंगे सर आप राजस्थानों के यहाँ है क्या सो कॉल्ड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट वो जो बगल वाला खरीद के ले गया वो अपने बच्चों से कह रहा है ले लो दस किलो ले लो दस किलो ले लो दस किलो सर वो आम वाला है क्या नहीं, नहीं आम वाला नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि मैंगो बिल्कुल भी नहीं है मैंगो मैंगो इज वेरी चीप तो मैं किसकी बात सही मानू आपकी मम्मी जो इंटेलिजेंट है जीनियस है और कह रही है मैंगो एक्सपेंसिव है और बगल वाले अंकल वो भी इंटेलिजेंट है और जीनियस है वो कह रहे हैं चीप दो तरह के कस्टमर है मार्केट में दोनों का अलग अलग परस्पेक्टिव है तो मैं किसकी बात को सही मानू मैं दोनों में से किसकी बात को सही मानू बस ये बताइए मेरे को एक्सपेंसिव मम्मी बोल रही हैं अंकल चीप बोल रहे हैं सर क्योंकि अंकल खुद ही बहुत चीप है चीप बोल रहे दोनों लोग गलत बोल रहे हैं दोनों लोग गलत बोल रहे हैं ये सारा माजरा किस चीज का है सेटिस्फैक्शन का और आपने अगर यूटिलिटी अप्रोच पढ़ी हो अगर ध्यान दिया हो मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल का एक एग्जांपल लिया था कि एक बोतल कोल्ड ड्रिंक से हमको कुछ एडवांटेज मिलता है दूसरे से तीसरे से जैसे जैसे हम चीजों को खरीदते हैं ज्यादा कंज्यूम करते हैं हमारी भूख प्यास मिटने लगती है तो हमको उससे मिलने वाला कम होता है है यू टेक इट लाइक दिस आपको बहुत बहुत भयंकर प्यास लगी बीस रुपए की बिस्लरी मिनरल वाटर की बॉटल आपको कोई पांच में भी देगा ना तो आप खरीद लेंगे बट अगर आपकी प्यास पूरी बुझ चुकी है आपको एक बूंद पानी नहीं पीना है फ्री में भी कोई देगा तो शायद आप नहीं लेंगे तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सेटिस्फैक्शन तो अगर आपको लग रहा है कि भाई एक रुपए खर्च करके एक रुपए का सेटिसफेक्शन मिल सकता है तो आप मैंगो खरीद लेंगे और अगर आपको लग रहा है एक रुपए खर्च करके एक रुपए का सेटिसफेक्शन नहीं मिलेगा तो आप मैंगो को नहीं खरीदेंगे तो मेरे एक दोस्त ने आईफोन खरीदा वर्थ रुपीज एटी नाइन और मैंने एक लेटेस्ट से एंड्रॉयड एनेबल्ड फोन खरीदा वर्थ रुपीज नाइनटीन दोनों में से कौन जीनियस है दोनों में से कोई भी जीनियस नहीं है और कौन बेवकूफ है सर आपको तो बोल नहीं सकता दोस्त कोई बोल देते हैं आपके आप बस उनको मत बताइएगा दोनों में से कोई भी बेवकूफ नहीं है कोई जीनियस नहीं है द पर्सन बाइंग एन आईफोन फील्स लाइक कि मेरे को एटी नाइन थाउजेंड का सेटिस्फेक्शन इस डिवाइस से मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा और जिसने नाइनटीन का खरीदा उसको क्या लग रहा है कि भाई एटी नाइन थाउजेंड खर्च करने पे हमें उतना उतनाफेक्शन नहीं मिलेगा तो वाई शुड आई स्पेंड मनी तो कुछ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेते हैं डेढ़ लाख रुपए की और कुछ लोग एक लाख पच्चीस हजार की हॉन्डा एक्टिवा जुपिटर वगैरह खरीद लेते हैं क्या आप हॉन्डा एक्टिवा जुपिटर जिसने सस्ते में लिए उसे आप जीनियस बोलेंगे नो no. और जिसने डेढ़ लाख की इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया वो बेवकूफ है इकोनॉमिक्स की भाषा में कुछ सस्ता नहीं होता कुछ महंगा नहीं होता कोई बेवकूफ नहीं होता कोई इंटेलिजेंट नहीं होता सब लोग अपना अपना क्या देखते हैं तो भाई किसी को सैमसंग का टीवी अच्छा लगता है किसी को सोनी का टीवी अच्छा लगता है किसी को एल का टीवी अच्छा लगता है किसी को वो TCL का टीवी अच्छा लगता है तो डोंट गो सम्बर्टीज हाउस जिसके घर में सैनसु का टीवी है करीब कहीं का सड़क छाप एंड एंड से सोनी का टीवी सोनी टीवी है हो सकता दहेज में समझना बात

और माइलेज मर्सिडीज और माइलेज देगी दे तो मर्सडीज का माइलेज किलोमीटर का माइलेज देगी उसमें घोड़ा और खरीदता है उसको लगता है इट इज वर्थ उसको सेटिस्फेक्शन नजर आता है तो खरीद देता है और मेरे जैसे को लगता है क्या बकवास बात है भाई गाड़ी में तो ही पाई हैं वो और वो स्टेटस जो आएगा मर्सिडीज में ये आपको लगता है मेरे को तो नहीं लगता इट इज कॉल्ड एज समझ में आया कि नहीं कुछ लोग तो घर में, में महंगे शैंडलर्स खरीदते हैं पांच पांच दस दस हजार के और कुछ कहते हैं जाओ मुन्ना के इलेक्ट्री पचास बल्ब खरीद के ले आओ रोशनी तो बराबर आएगी ना इट इज कॉल्ड है चिल्ड्रन रहा what, तो आज के बाद जब आपका दोस्त लेवाइस की जीन्स खरीदे और आप सड़क से उठा ले छह सौ रुपए वाली तो ये नहीं कि आप गरीब हैं कंजूस हैं सड़क छाप हैं और वो शाहजहां की औलाद है ऐसा कुछ नहीं है इट इज जस्ट वॉट चिल्ड्रन

कह रहा क्यों सर ऐसा क्या मैंने कहा तुम्हारी मैक्सिमम मैक्सिम इस रैक में जो फटी हुई है चूहा कतर गया है इसको तो चूहे से बचने के लिए काम करो कह रहा सर इसका डिजाइन ही ऐसा है मैंने ये कैसा जरा तो के रहे और जगह फटी हुई थी जीन्स कह रहा सर आजकल ये फैशन चल रहा है डैमेज जीन्स पहनने का मैंने कहा वाह फिर तो हमारे मोहल्ले की मुन्ना दूध वाले गैया सबसे फैशनेबल हो गई <laughs> उसके ऊपर जो बोरा होता है फटा रहता है समझ में आया कि नहीं आया तो डैमेज जीन्स सोचिए एक जमाना था हल्का सा कट पट जाता था लोग उसको रफू कराते थे और पहनने में तो बेजती समझते थे अपनी और आज इसी में इज्जत है तो so ना उस तरह की फटीचर ठंडी में दौर ठंडा लगे जुकाम लग जाए पता लगा पैर का जुकाम बात समझ में आई कि नहीं आई तो नथिंग इज एक्सपेंसिव इन इकोनॉमिक्स एंड नथिंग इज चीप एवरी पर्सन स्पेंड्स मनी ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन समझ में आया कि नहीं पक्का तो इज कॉल्ड एज इट इज द स्टडी हाउ सोसाइटी ये पॉल सैमसन की डेफिनेशन लिखी गई यहां पे थोड़ी सी सोसाइटी का मतलब एक इंडिविजुअल इंसान या पूरा ग्रुप चूजेस टू एलोकेट रिसोर्सेज सर कैश रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो यहां पे सोसाइटी का मतलब हो गया एन इंडिविजुअल आप भी लिख सकते हैं कोई व्रत नहीं है किसी का एज वेल एज वॉट चिल्ड्रन ग्रुप रिसोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली एक चीज चली आती है एंड वॉट इज दैट चिल्ड्रन इनकम क्या आपने किसी को बोलते हुए सुना है मेरे पास तो बहुत पैसा है मैं जा रहा हूं छत में उसको लुटाने के लिए हैव यू एवर हर्ड दिस आप बोलते हैं इनके पास बहुत पैसा है उनके पास बहुत पैसा है बट कभी भी कोई इंसान बोलता है मेरे पास तो बहुत पैसा है मैं छत में जा रहा हूं, हूं उसको लुटाने के लिए कभी कोई ऐसा बोलता है कोई नहीं बोलता सो इनकम इज कैश विद एवरीबडी यही वजह है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कल को पढ़ ली आप कोई जॉब करेंगे मान लीजिए अपना बिजनेस करेंगे तो जो पैसे आएंगे उसको फेंक देंगे जाके बिल्कुल नहीं क्या करेंगे आप उसको सेव करेंगे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे ताकि उससे रिटर्न आपको और ज्यादा मिले फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई वॉट चिल्ड्रन अनलिमिटेड बॉन्ड्स तो नेवर अज्यूम कि किसी ने अगर टेस्ला की गाड़ी खरीदी तो वो बेवकूफ है और ऑल्टो खरीदी तो वो जीनियस है दोनों लोग जीनियस हैं बिकॉज बोथ आर सीकिंग व्हाट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन समझ में आई बात कि नहीं आई बात एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सपोज अ स्टूडेंट वांट टू परस्यू अ सीए कोर्स सीए कोर्स का मतलब जानते ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो बहुत स्ट्रांग अपील है कि हम इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके पढ़ेंगे कॉमर्स बट बच्चा मेरे से पूछता है कि सर शुड आई गो फॉर मैथ्स मैं बोलूंगा भाई तुम्हारी मर्जी अगर झेल सकते हो गो फॉर मैथ्स पता लगा मैथ्स ले तो लिया क्योंकि पड़ोसी के बच्चे ने लिया हुआ है स्टेटस सिंबल के लिए और मैथ्स के चक्कर में इतना दाएं बाएं दौड़ना पड़ रहा है इतनी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि अकल तो थी नहीं उसके चक्कर में हमारे चार सब्जेक्ट और निपट गए तो सर फिर मेरा सीए कैसे होगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं भाई आपको तीन चार छह महीने का टाइम मिलेगा बाद में आप मैथ्स की कोचिंग कर लीजिएगा आपका सीए हो जाएगा क्योंकि मैथ सिर्फ आपको फाउंडेशन में पढ़नी है और बाद में नहीं पढ़नी है बट अगर आपका आपकाट्यूड है एप्टीट्यूड है आप पढ़ सकते हैं भाई एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया कुछ ऐसे होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती अच्छे से बट अकाउंटेंसी मैथ समझ में आ जाती है ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा है जिन्होंने सो so कॉल्ड पीसीएम लेके पढ़ाई की आई से उन्होंने इंजीनियरिंग किया बट एम में उनको प्रॉब्लम आ गई मार्केटिंग क्या बेवकूफी भरा सब्जेक्ट है पढ़ाते कुछ और है जीवन में अप्लाई कुछ और होता है क्योंकि साइंस का स्टूडेंट लॉजिक से सोचता है बट मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट में लॉजिक नहीं होता जैसा गाल वैसा जहां पर चलता है यहाँ पे तो भाई तो इंडिया में जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है क्या यूएस में अप्लाई करता है नो no. यहाँ पे इंडिया में जो इंसान एप्पल का आईफोन खरीदता है नाइन्टी परसेंट स्टेटस सिंबल है नाइन्टी परसेंट स्टेटस सिंबल टेन परसेंट लोग है जो सेफ्टी सिक्योरिटी के नजरिए से उस डिवाइस को खरीद लेते हैं पैसे आ गए ढेर सारे पिताजी के पास बच्चे से पूछा तुम टेंथ पास कर गए पास तो कर गए और बहुत बढ़िया नंबर है उस बच्चे के कुछ लोग एटी फाइव समझ रहे थे इसको पैंतीस परसेंट और उम्मीद थी घर वालों को कितने आएंगे तेट्ड़ी। त्थु। तेट्ड़ी। त्थु। दो परसेंट एक्स्ट्रा आ गया दस बारह नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो घर वालों बोला मांगो क्या मांगते हो बच्चे को भी लगा कुबेर का खजाना है तो मांग लेते हैं मैकबुक अल्ट्रा प्रो मैक्स और भी कुछ नामों का तो आगे लगा दीजिएगा अल्ट्रा प्रो मैक्स डायनेमिक सुपर और वैल्यू थी दस लाख तो नहीं आठ लाख रुपए अब इस बच्चे को अगर कोई वीडियो एडिटिंग करनी हो टेक्निकल गुरुजी जैसा कोई चैनल वैनल बनाना हो स्पीड चाहिए तो तो भाई इस मैकबुक अल्ट्रा प्रो मैक्स डायनेमिक का कोई काम है दिन भर पबजी खेल रहा है और पता लगा पांच साल बाद सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा है समझ में गया तो अब यह तो सरासर बेवकूफी कहलाई जाएगी बट स्टिल माता पिता को सेटिस्फेक्शन हो गया कि भाई हम बहुत गरीबी में पड़े हैं हम आवारा गर्दी नहीं कर पाए मोहल्ले में लोग हमको आवारा आवारावारा नहीं बोलते थे गरीब बोलते थे हमारे बच्चे कम से कम आवारा बोलेंगे एक एक टैग तो मिलेगा एटलीस्ट तो इसलिए उन्होंने पैसे खर्च कर दिए खोपड़े में बात गई कि नहीं बात गई पक्का तो मैंने अभी जब दो साल पहले नया लैपटॉप खरीदा इट इज आई थ्री कॉन्फिगरेशन तो काफी मेरे जानने वालों ने बोला अरे आई थ्री पुराना हो गया यू शुड है मैंने कहा जितना मेरा काम है वो आई थ्री में हो जाएगा तो मैं आई सेवन पे पैसे क्यों खर्च करूं तो आई स्पेंट टू गेट वॉट सेटिस्फैक्शन आई सेवन खरीद लेते बीस पच्चीस हजार रुपए और लग जाते बट काम तो इतना ही होता ना तो शुड आई परचेज दैट एब्सोल्यूटली नॉट तो सेटिस्फैक्शन इज द बिगेस्ट थिंग कुछ लोगों को देखा देखी में सेटिस्फैक्शन लगता है अच्छा उसने मैकबुक प्रो खरीदा है हम भी खरीदेंगे और पता लगा उसको खोल नहीं पा रहे ठीक से और खोल तो लिए ऑन नहीं और सब काला नजर आ रहा है पहुंच गए दुकानदार के पास तुम तो कह रहे थे बड़ा बढ़िया है ये तो इसमें रहा और तुम बोले थे बैक है बैक में तो कोई लाइट नहीं इसकी अरे कह है प्रभु बैकलेट एलईडी होती पीछे लाइट नहीं होती है अच्छा बैटरी, बैटरी एमबेडेड है नहीं, बैटरी, के बैटरी नहीं है तुम दिखाओ बैटरी का अच्छा रैम कहां पे है अच्छा स्टोरेज कहा है इसका हमको दिखाओ कैसे फाइल स्टोर होती है वो पैसे दे देगा आपको वापस और कहेगा लैपटॉप वापस कर दो हम नहीं बेच पाएंगे आपको तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कुछ महंगा नहीं कुछ सस्ता नहीं कोई रईस नहीं कोई गरीब नहीं एवरीथिंग इज समझ में आई बात की नहीं आई पक्का कुछ लोग अपनी कार से स्कूल कॉलेज जाना पसंद करते हैं पापा ने खरीद दी मम्मी ने दस लाख की कार और कुछ लोग कहते हैं हम इस घटिया गाड़ी से नहीं जाएंगे हम बड़ी गाड़ी से जाएंगे साठ लाख की बस है उससे जाएंगे तो कुछ लोग बस से स्कूल जा रहे हैं और कुछ लोग पर्सनल कार से जा रहे हैं तो क्या आप पर्सनल कार वाले को बोलेंगे रेजी दिखा रहा है शो ऑफ कर रहा है स्टेटस सिंबल है और ये गरीब दुखिया रहे बेचारे इनका सेटिस्फैक्शन इसमें है और इनका सैटिस्फेक्शन इसमें है पापा में क्या लग रहा है बस में हमारा बच्चा जाएगा बस वाला किडनेप ना कर ले अलग गाड़ी भेजो समझ में आ गया और बस वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स क्या सोच हैं तो है, अलग गाड़ी से भेज दिया पता लगा भाग गया खुद एक को अपने आप अप किडनेप कर लिया तो इट इज बेटर की बस से भेजो जो बच्चे बस से जा रहे हैं वो क्यों खुश हैं दूसरे लोग टिफिन में क्या क्या लाएंगे खाने का मौका मिलेगा और यहाँ पे तो हम और हमारी तनाई आपस में बातें किया करते थे कब ये ट्रैफिक हटेगा हम घर पहुंचेंगे तो भाई अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कुछ लोग ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और कुछ लोग ट्रैवल करते हैं अपनी कार से अपनी कार से ट्रैवल करने में फायदा क्या है सर एक्सीडेंट हो गया ना बड़ा बढ़िया रहेगा सर और यहां पे हाँ सर बच जाएंगे सर और चोट बहुत लगेगी दर्द बहुत होगा भाई कुछ लोग सोचते हैं बस से जाएंगे ट्रेन से जाएंगे कंफर्ट लेवल ज्यादा है बट प्राइवेसी नहीं है यहाँ पे

समझ में आ गई बात सबको तो इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिकन चलिए सबने लिख लिया yes, तो आज के बाद तो आप नहीं बोलेंगे ना आईफोन खरीदने वाला बेवकूफ है और रियलमी प्रो खरीदने वाला अच्छा है ऐसा कुछ नहीं होता एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन कोई गरीब नहीं कोई रईस नहीं मैंने हाफ स्लीव की शर्ट पहनी है तो आप क्या बोलेंगे सर गरीब हो गए हैं आई एम सेटिस्फाइड इन दिस आप अपने साथ आस्तीन का सांप लेके घूम रहे हैं तो आपको फुल स्लीव शर्ट चाहिए यू आर सेटिस्फाइड इन दैट कुछ लोग वॉक करके घर से क्लास तक आते हैं और कुछ लोग गाड़ी जाते हैं समझ में आगरी बार कुछ लोग दाए बाएं कीचड़ गोबर जो नजर आ जाए सेल्फी खींचेंगे चोच की तरह मुंह निकाल के अपना वो उनका सेटिस्फेक्शन है और कुछ एकदम गाना सुनते सुनते चल रहे वो उनका सेटिस्फैक्शन है तो जो भी इंसान जो भी कर रहा है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर हिस्सैस्फैक्शन आपको चौधरी बनके जजमेंटल बनने की जरूरत नहीं है ये ऐसा कपड़ा क्यों पहना है अरे तुमसे पूछ के खरीदा है तुमसे पैसा लिया है उसको अच्छा लग रहा है पहना है काम खत्म तो इट इज कॉल्ड एज अ पुलिस वाले बहस मत करिएगा जब वो हेलमेट रोके हमाराफैक्शन नहीं है इकोनॉमिक्स बुरा मान इकोनॉमिक हम नहीं पहनेंगे हेलमेट हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे गाड़ी में तो पुलिस वाला कहेगा ठीक है मेरा सेटिस्फेक्शन चलान काटने में है काटो दस हजार का चलान इसका बात समझ आ गई तो कुछ लोग तुम काला चश्मा पहन के बिना हेलमेट गाड़ी से निकल लेते हैं चाहे लड़ भिड़ जाए बट हम बिना हेलमेट के ही चलेंगे क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन वो है अंडरस्टूड एवरीबडी पक्का चलिए सो समस्या क्यों होती है व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज रीजन यही है मुंह और जीव और पेट बहुत बड़े हैं बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड हैं। तो प्लीज पुट दिस हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज चलिए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है ये आदमी के सिर में चांद तारे सितारे क्यों घूम रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि स्कैसिटी है दुनिया में हर चीज की क्यों रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ गए क्योंकि यूक्रेन के पास स्कैसिटी थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नाटो मेंबर बन जाता तो उसको सेफ्टी सिक्योरिटी यूएसए मिल जाती रशिया के पास भी सेफ्टी सिक्योरिटी और अमेरिका का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है बट उससे बचने के लिए जो रिसोर्सेज रशिया के पास है बहुत कम है इसे रशिया ने यूक्रेन को बोला अगर तुम नाटो मेंबर बने तो हम तुमको पिचका पिचका के नाटो कर देंगे समझ में आई बात कि नहीं तो तुम्हें ये काम नहीं करना है बट यूक्रेन वाले उनकी बात नहीं माने मेरे से बोले क्या करें मैंने कहा फोन रखो बाद में बात करेंगे अभी क्लास चल रही है इतनी देर में उन्होंने सेल्फ डिसीजन ले लिया कि हम नाटो के मेंबर बनेंगे और रशिया ने मिसाइल दागनी चालू कर दी तो एवरी कंट्री एवरी पर्सन एवरी सोसाइटी एवरी ग्रुप अवेलेबिलिटी तो कम होती है बट उनकी चाहत बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है इसके सिपर में पानी खत्म हो चुका है और बगल में बुढ़्ढे वाले अंकल जी टाई वाई लगा के जीत जीत बहन के बढ़िया गए हैं और यहाँ पे भी पानी खत्म हो चुका है और दोनों को प्यास लगी हुई है तो इनको बिस्लरी का मिनरल वाटर खरीदना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा तो इसीलिए इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट बन गया दुनिया में अगर स्कैसिटी ही ना होती चीजों की तो क्या हम ऑल्टरनेट सोचते इसको कैसे इस्तेमाल करें उसको कैसे इस्तेमाल करें बिल्कुल भी नहीं तो आपके पास अगर व्हीकल है बट बाजार में जो पेट्रोल है बहुत स्कैस है कुछ लोग बोलेंगे सर हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है रिचार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी भी है बहुत स्कैस है क्या आप उसको वेस्ट करेंगे क्या आप उसको वेस्ट करेंगे आपने देखा होगा कुछ बच्चे दिन भर घूमते रहते हैं दिन भर वो एक्चुअली रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के टेंते हैं क्या करते हैं सर, ये देखते हैं हैं सर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज ये देखते ने गोबर किया उसका नापते हैं। और फिर जाके कंडी पाटने का काम करते हैं और एमेजोन पे पंद्रह रुपए के हिसाब से डंग की एक बेचते हैं तो ये ऐसे टाइप के आवारा लोग होते हैं तो अब इनके पास भी रिसोर्स कैसे है किस चीज का रिसोर्स कैसे है अकल बहुत कम है इनके पास बट पैसा इनको जीवन बहुत चाहिए तो काउडी का बिजनेस चालू कर दिया सुनाई पड़ गई बात आपने एम चाय वाले का नाम सुना होगा तो उसने कॉन्सेप्ट लगाया भाई इंडिया में चाय पीना और पिलाना एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन माना जाता है अब कैफे कॉफी डे तो थोड़ा महंगा है तो हर इंसान वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकता आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता तो अब सस्ती जगह भाई चाय सैंडविच सर्व कर दो लोग खाली हैं घूम रहे हैं ऐसे ही और हिंदुस्तानी आदमी वैसे ही लालची टाइप का होता है मैं साबित कर सकता हूँ इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ कि हिंदुस्तानी आदमी लालची टाइप का है आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके घरों में एक मोबाइल फोन आया दूसरा खराब नहीं हो बट आ गया फिर वो दूसरा खराब नहीं हो बट तीसरा आ गया तीसरा खराब नहीं हो बट चौथा आ गया मम्मी क्या बोल रही है ए जी सुनते हो ये पुराना हो चुका है पापा बहुत दुखी है हमको ना बोल दे कितने बहुत पुराने हो चुके हैं समझ में आई बात की नहीं तो यहां पे इंसान जरूरत के हिसाब से चीज नहीं खरीदता अपनी कमाई के हिसाब से चीज खरीदता है इसी को लालच बोलते हैं भाई जरूरत है तो गो फॉर इट जरूरत नहीं है तो डोंट गो फॉर इट समझ में आ गई बात अब मान लीजिए चार लोगों को घर से एक साथ निकलना है तो एक तरीका तो यह कि एक एक लाख की दो एक्टिवा खरीद लो और बीच में डंडा लगा के वेल्डिंग कर दो तो कार का, का काम करेगी बात समझ में आई बट लाल जी है। पड़ोस के शर्मा अंकल ने मर्सिडीज खरीदी है हम तो बी लेंगे समझ में आया कि नहीं आया लॉजिक क्लियरली अंडरस्टूड पक्का घर में बच्चे भी ऐसे ही काम करते हैं बड़ी दीदी के लिए मोबाइल फोन आ गया मेरे लिए क्यों नहीं आया है लालच क्या बच्चे को मोबाइल फोन की जरूरत है बच्चा कह रहा है हाँ, मेरे को पेपा पिक देखना है अब पिताजी चले पेपा पिक के लिए एक लाख का आईफोन खरीद के थे अंडरस्ट एवरीबडी तो अवेलेबल है धरती पे दुनिया में दे आर स्कैस और जो चाहत है उन चीजों से इट इज अनलिमिटेड इसीलिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कराई जाती है और हर बार इकोनॉमिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा क्योंकि ये बेस होगा उसका ओके चलिए सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेस पहला है, what, Limited. Limited. मैं एक लेता हूं, रियल है किसी जमाने में कार्स में हेलोजन लैम्प आया करते थे व्हीकल्स में भी हेलोजन लैम्प आया करते थे उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती थी क्योंकि उसमें जो टस्टन मटीरियल यूज होता था आपके घर के बल्ब में भी यूज होता है वो ऑन ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से ठंडे गर्म की वजह से कुछ दिन बाद टूट जाता था और खराब हो जाता था डैमेज होता था कस्टमर का नुकसान होता था इन्वेंशन किस चीज का हो गया एलईडी का एलईडी में अगर चार पांच लाइट्स लगी हुई है एक फ्यूज भी हो गई तो एटलीस्ट बाकी तो चलती रहेंगी ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी चेंजेस आगे चल रहे एलईडी लाइट का जो लाइफ है वो ज्यादा है और कॉस्ट जो है वो कम है स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पे लगती थी बहुत पहले दस साल पहले हेलोजन लैंप्स उनको स्टार्ट होने में पंद्रह और वो इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे आप बिलीव नहीं कर सकते एक हेलोजन लैम्प इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था जिसमें से कम से कम सौ एलईडी जल जाए तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कैस रिसोर्स है और इस इसकेश रिसोर्स को अगर सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया गया तो वेस्टेज होगा तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया ऑल इंडिया सारे के सारे स्ट्रीट लाइट्स पे जो हैलोजन लैम्प तो उनको हटाइए उनको रिप्लेस किससे कर दीजिए एलईडी लैंप से तो इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा और जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी वो हम हाउस होल्ड को बिजनेसमैन को सप्लाई करके पैसा कमा सकते हैं बचपन में आप एक्सपीरियंस करते होंगे दिन में तीन से चार घंटे का पावर कट होता था रेगुलरली होता था एक टाइम बन गया था दस से एक तो बत्तीस जाएगी जाएगी अब ऐसा होता है चल रहे अब बीच बीच में हो सकता है दस बार बत्ती बत्तीजा ट्रिप कर जाता है बेसिकली डिपार्टमेंट से बट अब इस तरह का कोई कट नहीं है क्यों नहीं होता सर क्योंकि पहले के टेक्नोलॉजी बहुत लोग यूज करते थे गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि कितनी की है। कटिया मार लेते थे, थे लोग अब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक मीटर स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगवा दिए अब चोरी पकड़ी जाती है तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली अपना कंजम्शन देखते हुए प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है प्लस जब प्रोडक्शन बढ़ा एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आ गए आपके घर में पहले एसी लगता था जो एक घंटे में कम से कम चार यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था अब आपके पापा मम्मी ने इन्वर्टर एसी लगवा लिया जो हार्डली डेढ़ और दो यूनिट कंज्यूम करता है तो आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी कम हो गया बातें समझ में आ रही है। तो ये ऑल्टरनेटिव यूजर्स को तभी खोजा जाता है जब रिसोर्सेस गैस होती है मान लीजिए पता लग जाए कि दो दिन पानी नहीं आएगा दो दिन घर में पानी नहीं आएगा क्या आप उतनी देर टैप ओपन करेंगे ब्रश करने के लिए जितना रेगुलरली ओपन करते थे मम्मी कहेंगे हम एक काम करते हैं माउथ फ्रेशनर खा लेते हैं आज समझ में आया और कौआ स्नान कर लेंगे उस दिन आप कौआ स्नान का मतलब समझते हैं मुंह हाथ धो लेंगे या कोई नहा रहा है उसी के टावल से अपना मुंह पोष लेंगे हो गया हमारा भी स्नान कोई समस्या की बात नहीं है या पानी को देख लेंगे बस स्नान किया हुआ माना जाएगा जैसे ठंडी में होता है जनरली काफी बच्चों के साथ पानी को देख लिया तो मान लिया जाएगा कि आप नहा लिए हैं बट जब वाटर की अवेलेबिलिटी इनफाइनाइट है कमी है ही नहीं शॉर्टेज है ही नहीं अगल बगल वाले छोटे छोटे बच्चे भी जो दस दिन से नहीं नहाए हैं उनको पकड़ पकड़े मांझ मांझ के नहलाएंगे आप जैसे बर्तन मांझा जाता है आप कार भी धोएंगे घर की धुलाई भी करेंगे और दिन में तीन बार नहाएंगे दिन में तीन बार ताकि पाप धुल जाए अपने पाप नहाने से नहीं धुलते हैं अच्छे कर्म करने से धुलते हैं स्कूल बैग है चलो उसको भी धो दें जूता है चलो उसको भी धो दें मैट घर में उसको भी धो दें बट द डे यू विल हैव वाटर सप्लाई शॉर्टेज चिल्ड्रेन क्या फुट मैट और शूज को धोएंगे नहीं धोएंगे तो जब आपके पास रिसोर्स कैश होता है तभी आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं बात समझ में आई चला पक्का चलिए सो so, अगली क्लास में वील कंटिन्यू विद किसी की कोई क्वेरी है तो पीपल कैन आस्क